जंगल में एक बड़ी सी नदी के किनारे कबूतर वाड़ा पाव बेचने का काम करता था। वो अपने वाड़ा पाव के व्यापार से बहुत खुश था। एक दिन उस गांव के मुखिया कालू कौआ उससे मिलने आया। लूसी, तूने इस महीने के पैसे नहीं दिए? जी, इस महीने बहुत तंगी चल रही है। मैं आपको अगले महीने एक साथ 2 महीने के पैसे दे दूंगी। क्या कहा, 2 महीने के एक साथ ले? अब बहुत हो गया तुम्हारी चिकनी चुपटी बातों में फंसना। चुपचाप अपनी पैसों की पेटी खोलो और हमें पैसे दे दो। सच में मेरे पास पैसे नहीं है। सच में नहीं है, अभी बताता हूँ। ये कहकर कालू जबरदस्ती लूसी के पास वाली पेटी लेकर उसे खोलकर उसमें से सारे पैसे ले लेता है। लूसी ने उसे रोकने की कोशिश की। अपना मुंह बंद रखो। कौवा फिर वहाँ से चला जाता है। ये सब कुछ होते हुए लूसी की सहेली लाड़ो और टूनी चिड़ियाँ देख रही थी। लूसी, ये मैं क्या देख रही हूँ? कैसे निर्दयी पंछी रहते हैं तुम्हारे गांव में। वैसे भी भला तुम्हें उन्हें पैसे देने की क्या जरूरत है? एक अकेली पंछी को मेहनत करते देख भी भला दूसरे पंछी भी इस पर अत्याचार कैसे कर सकती है? घिन आती है मुझे। हाँ टूनी, कालू सारे बाजार के व्यापारियों को ऐसे ही परेशान करता है। खैर, ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम दोनों का यहाँ कैसे आना हुआ? कोई खास बात? हाँ, वैसे खास बात तो कुछ नहीं है, पर तुम बड़ा पाव का व्यापार करती हो ना, सोचा हम भी ये काम शुरू कर लें, इसलिए तुम्हारे पास सीखने आए थे। सोचा हम भी अपने गांव में व्यापार शुरू कर लें। हाँ लूसी, इस बढ़ती हुई महंगाई में सिर्फ एक के कमाने से घर नहीं ना चलता है। अरे इतनी सी बात, 2 दिन लगातार यहाँ पर आना, मैं कैसे वड़ा पाव बनाती हूँ और बेचती हूँ ये सब देख लोगी और परख भी लोगी, सीख भी लोगी। यूं तय कर अगले दिन से दोनों दिन भर कबूतर के पास खड़े होकर वो वड़ा पाव कैसे बनाती है, ग्राहकों से कैसे बात करती है, ये सब ध्यान से देखने लगे। 2 दिनों में ही दोनों ने वड़ा पाव बनाना सीख लिया। दोस्त, तुम्हारा बहुत आभार, तुमने हमें अपना काम सिखाया, तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलेंगे। अब हम जाकर अपना व्यापार शुरू कर लेते हैं। एक बार व्यापार अच्छे से जम जाए तो हम तुमसे आकर जरूर मिलेंगे। कबूतर का शुक्रिया अदा कर जब वे दोनों जा रही थी तो लूसी ने पीछे से आवाज लगाई, दोस्तों अपना ध्यान रखना। जाते जाते दोनों सहेलियों ने कहा वे अपना ध्यान रखेंगे। फिर वे दोनों गांव पहुंचकर वड़ा पाव का व्यापार शुरू कर लेते हैं। दोनों की बहुत अच्छी कमाई होने लगी। केवल 1-2 महीने में ही उनका व्यापार बहुत अच्छे से जम गया। वड़ा पाव के व्यापार में इतनी अच्छी कमाई होने पर वे दोनों अपनी सहेली कबूतर के पास मिलने जाते हैं। दोस्त, आज तुम्हारी ही वजह से हमारा व्यापार बहुत अच्छे से चलने लगा। ये कहकर दोनों ने कुछ पैसे लूसी को दिए। नहीं दोस्त, मैं तुमसे ये पैसे लेकर अपनी दोस्ती का अपमान नहीं करना चाहती। मैं भी तो यही चाहती हूँ कि तुम दोनों बहुत खुश रहो। हमें वड़ा पाव बनाना तुमने ही सिखाया है, तो तुम हमारी गुरु हुई और गुरु को दक्षिणा तो बनता है। लोग कहते हैं कि अगर गुरु दक्षिणा ना दी जाए तो बरकत नहीं होती। ऐसा कहकर उन दोनों ने लूसी को जबरदस्ती पैसे दे दिए।